गणपति बप्पा के लिए आज हम बनाएंगे रेड वेलवेट मोदक, वो भी बहुत ही क्विकली। और इसे बनाने के लिए हमें कोई भी चीज़ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कीजिए और उसे शेप दीजिए, हमारा मोदक रेडी हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेड वेलवेट मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स का इस्तेमाल किया है। आप 10 रुपये वाला पैकेट ले लीजिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स का और उसका हम चूरा बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्राइंडर का जार लिया है, बिस्किट्स को हम तोड़ लेंगे हाथों से और फिर इसे ग्राइंड कर एकदम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव बिस्किट का पाउडर बिल्कुल रेडी है। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 कप मिल्क पाउडर, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट। हमारे मोदक में मिठास देने के लिए यहाँ पर मैं चीनी ऐड करूँगी, पिसी हुई चीनी है ये, 2 बड़े चम्मच ऐड कर लेंगे। और 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें कोको पाउडर। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वेनिला एसेंस और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने रेड वेलवेट का जो रेड फूड कलर आता है ना, उसका इस्तेमाल किया है। कलर आप चाहे तो पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर इमल्शन के फॉर्म में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क हमें यहाँ पे धीरे धीरे करके ही ऐड करना है। लगभग 1/4 से 1/2 कप के हिसाब से तो कंडेंस मिल्क लग जाएगा आराम से। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो नो वरीज, बना लीजिए, बस 2 मिनट ही लगेगा। इसके लिए आपको कुछ पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस 2 मिनट वाले कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। कंडेंस मिल्क और कलर आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। इसका हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो भी तैयार नहीं करना है और डो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। हम आराम से इसे अपने हाथों में लेकर शेप दे सके, उस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डो रेडी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं मोदक। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है जिसमें थोड़ा थोड़ा 1-1 ड्रॉप घी डाल दिया है और घी से अच्छे से इसे ग्रीस कर लेंगे हम। बाज़ार में बहुत सारे तरीके के मोल्ड्स अवेलेबल हैं, प्लास्टिक के, एलुमिनियम के, अलग अलग शेप के, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो 1-1 करके हमारा जो मिश्रण है वो हर एक साइड में भर लेंगे हम। वैसे अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है ना, तो उसकी जगह आप चॉकलेट सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मोल्ड को बार बार ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में कीजिए 1 बार, उसके बाद 4-5 बनाने के बाद और 1 बार कर लीजिए बीच में। अब हमारा ये जो मोदक है उसे हम स्टफ़ करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं तो यहाँ पे ले रही हूँ 1 बादाम, आप चाहे तो इसमें काजू डाल सकते हैं या फिर खजूर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो नीचे का बेस है उसे फिर से मिक्सचर से भर के कवर कर लेंगे अच्छे से। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर आ रहा है वो सारा हटा लेंगे और यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी रेड वेलवेट मोदक बनकर रेडी है। तो देखा ना आपने, इसे बनाना कितना आसान था। बस चीज़ों को मिक्स कीजिए और उसे शेप दीजिए और हमारा मोदक रेडी है। तो आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे बनाकर एंजॉय कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।